मॉर्निंग गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी ITBP में जो असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियर की भर्ती आई है इसके बारे में। दोस्तों, ये वैकेंसी आपकी कब से स्टार्ट हो रही है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहने वाला है और साथ ही इसमें क्या आपसे क्या इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ मांगी गई है, सबके विषय में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये एप्लीकेशन आपकी 16/11 से शुरू हो चुकी है, 16/11 से, और 15 दिसंबर तक ये चलने वाली है। इसको अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही ये इसमें जो फीस का क्राइटेरिया है, जर्नल OBC और EWS के लिए ₹400 रहने वाला है, वहीं SC ST और एक्स सर्विस मैन के लिए इसमें फीस का क्राइटेरिया 0 रहेगा, यानी उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। बात की जाए एज की, तो इसमें मिनिमम एज दोस्तों कुछ भी नहीं दी है, यानी आपका क्वालिफिकेशन अगर रेडी है, आपको क्वालिफाइड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें नहीं दी हुई है। और इसमें मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल दी हुई है, पर जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है उसे कम्प्लीट करने में कम से कम आपके 16, 17 या 18 साल की एज लगेगी, क्योंकि इसे क्वालिफिकेशन में आपसे देख लेते हैं हम क्या क्या मांगा गया है इसमें। इंजीनियर की है तो BT BTEC तो हो गई, जैसे कि इसमें हम देख पा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है और BE या BTEC आपसे मांगा गया है सिविल इंजीनियर्स का। और इसमें जो मेल की हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर मांगी गई है और फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। और मेल से जो चेस्ट का क्राइटेरिया मांगा गया है 81 से 86, यानी 81 बिना फुलाए और 86 फुलाने के बाद होनी चाहिए। देख लेते एक बार कैटेगरी वाइज किसके लिए कितनी वैकेंसीज में अवेलेबल है। तो असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियर के लिए, जर्नल के लिए 2 सीटें हैं, OBC के लिए भी इसमें 2 सीटें हैं, EWS कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है, SC के लिए 2 सीटें हैं, ST के लिए भी कोई सीट नहीं है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो देख कर आपका ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जानकारी के लिए, इससे जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई किसी वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।